राज्यसभा सांसद थे नीरज शेखर। 25 नवंबर 2020 तक का कार्यकाल था। लोकसभा में बलिया से नहीं मिला था टिकट। बीजेपी में शामिल हो सकते थे नीरज शेखर और पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे हैं नीरज शेखर। लोकसभा में बलिया से नहीं मिला था टिकट। सपा को पूर्वांचल से बहुत बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं नीरज शेखर, पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे हैं। तो नीरज शेखर का इस्तीफा, लोकसभा में बलिया से नहीं मिला था टिकट, नाराज थे और अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी के 8 एस्पिरेशनल जिलों को लेकर नीति आयोग की बैठक